ये अभी धमाका हुआ है, बहुत हैवी किस्म का। E11 मरकज में, E11 मरकज में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। पता नहीं किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई क़यामत का मंजर को पेश आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें कितना हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये पूरे मरकज की तबाही निकल गई है, पूरा मरकज जो है वो तबाह हो गया है। अगर आप देख सकें, ये देखें सूरत हाल, देखें शॉप्स की, ब्लास्ट देखें कितना हैवी हुआ है, तो किस लेवल का ब्लास्ट हुआ है ये आप देखें। कैसे भाई ठीक है? ये देखें, ये आपको ये एक मरकज का, ओ शिट, ये एक मरकज, आप पूरे मरकज का हाल देखें। आप सब भाइयों को दिखा रहा हूँ, देखें बैंक्स, शॉप्स, प्लाजास, दूर दूर तक अगर आप देखें ना, ये देखें किस लेवल का ब्लास्ट हुआ है। देखें आप इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है, लेकिन सिलेंडर का ब्लास्ट ये नहीं लगता, क्योंकि सिलेंडर का ब्लास्ट इतना हैवी ड्यूटी नहीं होता। ठीक है ना, ये आप देखें, ये आप कोई शॉप भी जो है वो बची नहीं है कि जिसका जो है कोई शीशा करा टूटा ना हो, कोई एक शॉप भी ऐसी नहीं बची। देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक शॉप सलामत आपके सामने ये नजर आ रही है आपको। ये जो शॉप जो है इसका नहीं, वो भी इसका क्रैक हो गया ऊपर से, अगर एग्जॉस्ट वाली साइड से अगर आप देखें, ये आपको चेक कर, तो ये एग्जॉस्ट वाली साइड भी आप चेक करें तो ये भी क्रैक हो चुका है। बाकी शॉप्स का ये हाल देखें, सूरत हाल जो है इंतहाई संजीदा सूरत हाल है, और इंतहाई जो ख़तरनाक सूरत हाल नजर आ रही है। ये ऑल ओवर द जो है ये बहुत हैवी ब्लास्ट हुआ है, कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट हरगिज़ नहीं लगता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया। अगर आप देखें ये हर तरफ आपको ये आपको शीशा बिखरा हुआ नजर आएगा, जिस जगह पर भी आप देखेंगे आपको शीशा बिखरा हुआ नजर आएगा। ये आप देखें किस लेवल पे ये काम जा रहा है, ये आपके सामने है, नजरें आप देख सकते हैं। ये देखेंगे पुलिस वगैरह भी आ गई है यहाँ पर, और कुछ समझ में नहीं आ रही है कि किस लेवल का ये ब्लास्ट है, ये किस टाइप का ब्लास्ट है ये, क्योंकि ये बहुत हैवी ड्यूटी मटेरियल को ब्लास्ट हुआ है। ये जानने की कोशिश करते हैं किसी भाई से कि अगर आप देख सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है यहाँ रखना, बहुत टूटा हुआ बॉम्ब भी बचाना जरूरी है। भाई आप में से कोई यहाँ पे मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ है? आप में कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे? ये भाई थोड़ा रस्ता देंगे आप, रस्ता देंगे पूरे E11-3 मरकज में। यहाँ पे आप जहाँ आप देखेंगे आपको शीशा ही शीशा नजर आएगा, पूरा E11-3 मरकज जो है सब वो तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है, और अल्लाह माफी दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इंतहाई खौफनाक मनाजिर जो है ना, ये मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रही ये किस लेवल का ब्लास्ट हुआ है। ये अभी तक जो है तफ्तीश इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, लेकिन जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आप देखें, अगर देखें जरा इधर, ये आप सब भाई देख सकते हैं, ये इसकी बेसमेंट है, और बेसमेंट की आप सूरत हाल देखें, तबाही निकल गई। आप देखें मलबे का ढेर, ये आप देखें कितना शदीद धमाका हुआ है।
मेरी तो सेंसेस इस वक्त डेड हो गई हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पर क्या बयान दूं, क्या तजिया क्या तबसरा करूं उसके ऊपर। आई एम टोटली स्पीचलेस, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका हूं कि ये जो है समझ से मेरी बाहर है। भाई तबसरा देना थोड़ा, ये अपना व्यू देखें, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स हैं सब देखें, ये तबाही के मनाजर आपके सामने हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। भाई आप यहाँ पे थे जब ब्लास्ट हुआ है? अच्छा, ये नाजरीन देखें, ये स्नूकर क्लब्स अगर आपके सामने हैं, ये स्नूकर क्लब की सूरत हाल देखें आप। ये आपको मैं पूरे कोशिश पूरी की पूरे आपके इलावा मरकज की आपको मुझे फुटेज में दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सारी ये इलावा मरकज की पूरी फुटेज जो है इसमें मैंने इंक्लूड की है, तो बिल्कुल समझ से बलाता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाक आर्मी के जवान भी आए हुए, रेंजर्स भी आए हुए, और इस वक्त क्यामत का मंजर पेश हो रहा है। ऐसे ही फील हो रहा है जैसे क्या मुझे सुगरा आई है और ये तबाहियां निकल गई हैं। आकर इधर आप देखेंगे आपको तबाही की ही के मनाजर आपको नजर आएंगे, कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहां पर आपको शीशे टूटे बिना नजर आए। तो बड़ा खौफनाक सूरत हाल है, पहले आपको दूसरी जगह की विजिट करवाते हैं। अभी ये आप देखें, ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, अब आपको मेन से मैं आपको विजिट कराता हूँ। ये आपको अभी मेन की तरफ ले जाते हैं क्योंकि जब मुझे इत्तला मिली तो मैं फौरन ओके पे पहुंचा हूँ जगह पर, लेकिन यहाँ पर आप ये अब देखें क्रैक्स, हर तरफ क्रैक्स ही क्रैक्स हैं, कोई जगह बची नहीं है, कोई शॉप ऐसी बची नहीं है जिसके तबाहियां ना निकली हो। वालेकुम सलाम। ये जो बात फैलाई गई है कि जी ये कोई सिलेंडर का धमाका, तो मेरे ख्याल से सिलेंडर का धमाका ऐसा नहीं होता क्योंकि सिलेंडर का धमाका इंतहाई इतना हैवी नहीं होता कि वो जो है। अच्छा नवीन भाई, आप इधर ही थे जब ब्लास्ट हुआ? ये इधर था पूरा। बोला जी। अच्छा वो नहीं। अच्छा ये भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो, हाउ आर यू मिस्टर? व्हाट हैपेंड? You don't know? You were not present at that time? I was present. Then what happened? किस टाइप का ब्लास्ट था ये? F-16 वाला ब्लास्ट था, वो जिस तरह वो जिस तरह फलस्तीन का जिस तरह वो बम गिराते इस तरह ब्लास्ट था। क्या हो गया? वो फलस्तीन वाला वो याद आ गया दोबारा से, है मतलब बहुत हैवी ब्लास्ट था। थैंक यू, काफी चलो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, जान बच गई है, यही बड़ा है। कोई जो है ना वो जगह ऐसी नहीं बची है कि जहाँ पर जो है कोई तबाही के मनाजर ना नजर आ रहे हों, हर तरफ जो है एक जैसा ही मंजर नजर आ रहा है और बड़ा जो है ये खौफनाक मनाजर आप देखें। जी खान जी, एक मैं बस में आया, ये जरा फुटेज बना लूं मैं, ये आप देखें शीशे के, ये खबर जी ये शीशे आप देखें टूटे हुए जो है, शीशे देखें, ये शीशे भी टूटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप इधर ही थे जब ब्लास्ट हुआ है? आप इधर ही थे? तो क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था, कोई धमाका हुआ था, कोई किस नोयत का धमाका था? कोई हैवी धमाका था, हल्का धमाका था, साउंड कैसी थी? बहुत सख्त साउंड थी, बहुत हैवी, जैसा धमाका ऐसा महसूस होता है कि बहुत हैवी धमाका होगा, कोई बम फटा हो जिस तरह, ऐसा महसूस हुआ था।
ठीक हो गया, शुक्रिया। नाज़रीन ये जो जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं लोगों से पूछ रहा हूँ तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो सिलेंडर वगैरह फटने के जो बातचीत सुनी है ये इसमें मुझे कोई सच्चाई कम ही नज़र आती है। लोगों से जो सुना कि सिलेंडर फटा कोई कहता क्या पता, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि पूरा जो 113 मरकज़ है वो इस टाइम तबाही के मनाजर पेश कर रहा है और समझ में नहीं आ रही कि अपने तासुरात का इजहार मैं कैसे करूं। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो बिल्डिंग्स जो है ना उसको जज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और जो है जो बिल्डिंग्स हैं उनके शीशे तो 99% के 100% क्रैक हो चुके हैं। एक दो शॉप्स कुछ ऐसी बची होंगी जिनके शीशे वगैरह क्रैक ना हो गई हों, नहीं तो आपको मैंने दिखाया था कोई जगह ऐसी भी बची नहीं है कि जिस जगह पर क्रैक्स ना हो आए हों। ठीक है ना, जिस जिस शॉप पे जिस जिस ऑफिस में शीशा लगा हुआ था, ये आप देखें जिस जिस ऑफिस में शॉप में शीशा लगा था, आपको पता कि हर शॉप में जो है वो शीशा लगा हुआ है, शॉप हो दुकान हो ऑफिस वगैरह हैं जो भी हैं रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सब की जो है ना वो बिल्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं। तो आप देखें कि किस तरह तबाही हुई हुई है, तो इंतहाई तक जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन है ये, और अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे सब पर, तो मेरी तो ये दुआ है। एनीवेज बात ये है कि अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि जो भी मामलात हुए हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना स्टेटमेंट अपना बयान है और मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये किस टाइप का ब्लास्ट था ये। तो अभी जब तहकीकात जा रही है इसकी, जैसे ही कोई इसका असल जो है वो रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।